इस तरह से पुतले तैयार होते हैं। मेरे आसपास आपको नजर आएंगे, इधर मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं। जब से शुरू होता है इसको अंतिम रूप देने तक में आपको कितने दिन का समय लगता है? रावण के पुतले की क्या हाइट रहने वाली है? कितना मटेरियल यूज होता होगा तीनों पुतले को तैयार करने में लगभग? दोस्तों स्वागत है आज के इस एक नए वीडियो में। आज आपको दिखाने वाले हैं कि रावण के पुतले किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, कितना तैयार हो चुका है, कितने कारीगर, कितने कलाकार आर्टिस्ट लोग इस पे लगे हुए हैं और भी इससे जुड़ी कई सारी जानकारी दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं और जरा अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं रावण की एक टांग पड़ी हुई है, उस तरफ एक घाघरी जो अभी बनी हुई पड़ी अधूरी सी, और अंदर ये जो पांडाल है बड़ा सारा, ये जो पांडाल है इसमें पुतले तैयार किए जा रहे हैं, आपको यहाँ से नजर आ रहे हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं जहाँ रावण के पुतले के तैयार किए जा रहे हैं उस ग्राउंड पर हम पहुंच चुके हैं, दशहरा मैदान में। हर साल इस तरह से पुतले तैयार होते हैं। मेरे आसपास आपको नजर आएंगे, इधर मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं। कई जो कलाकार लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं जो इस रावण के पुतले को तैयार करते हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे कई सारी जानकारियाँ हम हासिल करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा टूर देते हैं कि यहाँ किस तरह का काम चल रहा है और किस हद तक वो काम पूरा होने की कगार पर है। तो आइए एक छोटा सा टूर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किसी एक पुतले का जो शरीर है, धड़ है, वो रखा हुआ है और यहाँ इसकी गर्दन फिट की जाएगी इस एरिया पे, यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं एक और जो शरीर है, एक और जो बॉडी है, धड़ है, वो उधर तैयार होकर रखा हुआ है, गुलाबी कलर से सजा हुआ है। एक जो धड़ है वो ये रहा यहाँ पर, और सबसे मेन जो देखें हम रावण का जो धड़ होने वाला है वो ये रहा बड़ा, जो बड़ा वाला आकार है। इधर आओ, ये जो नीले और काले रंग में बना हुआ है इसका आकार देखो कितना बड़े साइज का है। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा जब मैं यहाँ पास में खड़ा हुआ हूँ तो ये काफी ऊंचा है, एक मंजिल से डेढ़ मंजिल ऊंचा। अंदर लाके आपको दिखाएं, बांस बल्लियों से बना हुआ है, तो देखो कितना मटेरियल लगता है, किस तरह से इसको बांधा गया है, बांस बल्लियों से, रस्सियों से, जो रद्दी का इस्तेमाल किया गया है, जो पेपर है वो देखो आप किस तरीके से सफाई से चिपकाए हुए हैं इन लोगों ने, बड़ा मजबूत पुतला बनाया हुआ है। इसी तरह से इस वाले पुतले को देखें आप, मेघनाथ या कुंभकर्ण का पुतला होने वाला है, ये इसका हाथ है, ये इसका पूरा धड़ है, वहाँ गर्दन फिट होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत रहती है इन लोगों की इन पुतलों को बनाने के पीछे, और हर साल यहीं पर तैयार किए जाते हैं ये पुतले। काफ़ी शानदार जो कारीगरी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए एक बार आपको दिखाते हैं इस साल का जो रावण होने वाला है वो दिखने में कैसा होने वाला है। आइए फटाफट से आपको रावण के चेहरे का एक झलक दिखाते हैं। आपको 2023 के रावण के पुतले की एक झलक दिखाते हैं। रावण का जो चेहरा है वो देखिए यहाँ मौजूद है, आकार में काफी बड़ा, अभी इन प्रोसेस है। ये जो इसकी बॉडी रखी हुई है, जो धड़ रखा हुआ है, हाथ जो है इसका इस साल मूवमेंट करने वाला है, ऐसे हाथ हिलाएगा, ये भी देख सकते हैं आप। रावण के सिर का जो ताज है वो यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत चमचमाता हुआ ताज यहाँ रखा हुआ है, जो काफी बड़े आकार का है। रावण के जो 10 सिर होते हैं, जो छोटे वाले सिर हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए, जो छोटे वाले रावण के सिर होते हैं, 10 सिर, वो मतलब 9 होते हैं और एक उसका मेन जो सिर होता है वो मिला के 10 होते हैं। यहाँ देख लीजिए ये रखे हुए हैं छोटे वाले जो सिर हैं। तो हमारे साथ यहाँ शेजाद भाई मौजूद हैं, जो मेन आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, इसका जो दारोमदार है वो शायद शेजाद भाई देख रहे हैं। रावण के मेघनाथ के पुतले जो तैयार किए जा रहे हैं इससे जुड़ी कुछ सवाल जवाब हम शेजाद भाई से करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रावण के पुतले तैयार होने का सिलसिला है जब से शुरू होता है इसको अंतिम रूप देने तक में आपको कितने दिन का समय लगता है? डेढ़ महीना। हर साल का यही प्रोसेस रहता है? अच्छा, डेढ़ महीने में ये अपने अंतिम रूप में आ जाते हैं। जब आप इनको तैयार कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके मन में कोई ऐसे सवाल रहते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है कि यार पुतले में अगर कोई कमी रह गई, कोई गड़बड़ हो गई, कुछ उतार चढ़ाव हो गया? नहीं सर, ऐसे कोई घबराहट नहीं होती, फुल कॉन्फिडेंस से आप
अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी जो काम है बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका कितने सालों से ये जो पुतलों को तैयार करने का काम है वो करते आ रहे हैं। यहाँ तो 19 साल रहे करते हैं। वैसे हमारा जो परमानेंट काम है हमारा दादलाई काम ही है। अच्छा अच्छा, हमारे पुर के 3-4 पीढ़ी से चलते आ रहे काम। अच्छा अच्छा, कोटा के अलावा और कौन कौन से रावण आपने तैयार किए हैं? दिल्ली में है, दिल्ली में काम चल रहे हैं हमारे। अच्छा, टेंडर वहाँ कई टेंडर है वहाँ के भी हमारे पास। आप जो इसमें आतिशबाजी इस्तेमाल करते हैं वो कुछ खास आतिशबाजी होती है आप लोगों की तैयार की हुई, कहीं से परचेस की जाती है या आप? आतिशबाजी दूसरे हैं टेंडर वाले, हमारा काम सिर्फ ये रावण रावण का है। अच्छा 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 अच्छा, आप सिर्फ पुतले बनाते हैं जी, और इसके अंदर जो आतिशबाजी लगाई जाएगी दूसरी पार्टी। इस बार जो हाइट रहने वाली है रावण के पुतले की, क्या हाइट रहने वाली है? रावण के पुतले की हाइट रहेगी 75 फुट के। 75 फुट जी सर। अच्छा, और जो छोटे पुतले हैं मेघनाद और कुंभकर्ण के? 50-50 फुट के रहेंगे। 50-50 फुट के रहेंगे। शहजाद भाई जानना चाहेंगे कि कितना मटेरियल यूज होता होगा तीनों पुतलों को तैयार करने में लमसम? सर मटेरियल का तो ये है कि जब बांस है हमारे जी। बांस होते हैं कम से कम 500 से 700 तक बांस लग जाते हैं हमारे। अच्छा, और रस्सी वगैरह है, सुतली जो बांधने वाली होती है सुतली इलाती कम से कम 300 किलो के आसपास लग जाती है सुतली। और उसमें रद्दी भी यूज होती है, रद्दी का भी यूज करते हैं हम सर। और रद्दी का ये इसमें हो जाता है करीबन 400 किलो के आसपास रद्दी रह जाती है हमारी जी सर। इनको जो जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरती से इनकी जो डिज़ाइन की गई, नाक नक्शा होंठ वगैरह बनाए गए, ये डिज़ाइन कौन तैयार करता है, ये जिम्मेदारी कौन लेता है यहाँ पर? यहाँ हमारे बड़े भाई भी है और हम भी करते हैं सर। अच्छा अच्छा जी सर। डिज़ाइन इसकी हर साल चेंज करते हो आप या फिर, मतलब मैंने देखा है कि हर साल जो है वो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो इस बार कुछ नया? अब की बार गर्दन भी चलेगी जो पहले चली थी, तलवार भी चलेगी हाथ से जी, और आंखें पलके झपकाए गए। अच्छा, और हाथ भी है, गर्दन वगैरह सब चलेगा। बहुत बढ़िया। तो शहजाद भाई ने हमें बहुत ही कीमती जानकारियां यहाँ पे साझा की, इतनी अच्छी जो जानकारियां इन्फॉर्मेशन है वो आपको ना तो पेपर में पढ़ने को मिलती है और ना ही किसी वीडियो में देखने को मिलती है। तो इस तरह से आज हमने आपको रावण के और मेघनाथ के कुंभकर्ण के पुतले दिखाए, किस तरह से इनको तैयार किया जाता है उनसे जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े सभी जानकारियां पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।